नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आई स्टडी पे। आज का हमारा शीर्षक है भारत पाकिस्तान संबंध। विदित हो कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद वर्ष 1857 तक भारत में घोषित औपनिवेश अघोषित आंशिक या पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अगले 257 वर्षों तक था। 1857 के ग्रेट इंडियन म्यूटिनी के बाद 1857 में ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश क्राउन ने, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका सूर्यास्त कभी अस्त ही नहीं होता था, अर्थात दुनिया के 54 देशों पे उनका शासन था। आज भी वे 54 देश कॉमनवेल्थ के हिस्सा है और उनका एक संगठन है जिसका नाम है चोगम, CHOGM, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ जनरल मीटिंग। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसका प्रधान ब्रिटेन का क्राउन होता है। अक्सर कहा जाता है कि राजा मरता है, रानी मरती है, लेकिन राज मुकुट शाश्वत होता है। तदुपरांत 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन द्वारा भारत का नियंत्रण, भारत का औपनिवेशिक सत्ता अपने हाथ में ले लिया गया, जो कि 90 वर्ष तक जारी रहा। अर्थात 257 और 90, कुल 347 वर्षों की औपनिवेशिक दास्ता के बाद 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा पारित प्रस्ताव, जिसे माउंटबेटन योजना का नाम जानते हैं, भारत विभाजन योजना के नाम से जानते हैं, 3 जून योजना के नाम से जाने जाते हैं, और कुछ लोग इसे डिकी बर्न योजना भी कहते हैं। ज्ञात हो कि डिकी बर्न माउंटबेटन के बचपन का नाम था। भारत की आजादी, भारत का विभाजन तय होने के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि वह 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र घोषित करेगा। इसके पीछे दर्शन यह था कि 15 अगस्त 1945 में जब माउंटबेटन ब्रिटेन की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में नौसेना का अध्यक्ष था, तो उसी के समक्ष जापानी फोर्सेस ने म्यांमार में, तत्कालीन बर्मा में, आत्मसमर्पण किया था। और उसी के बाद 15 अगस्त 1945 को विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म माना जाता है, उसकी समाप्ति मानी जाती है। और आज भी विजेता राष्ट्रों द्वारा उस दिन को विक्ट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, और उससे एक दिन पहले एक नए राष्ट्र के रूप में धार्मिक आधार पे, मुस्लिम बहुलता के आधार पे पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया जाता है। यह हम सबको पता है। भारत का नाम भारत इसीलिए पड़ा क्योंकि राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा, जबकि पाकिस्तान नाम पाकिस्तान के कैम्ब्रिज में पढ़ रहे विद्यार्थी चौधरी रहमत अली द्वारा दिया गया था। भारत पाकिस्तान के विभाजन की दास्ता को डोमिनिक लॉपियर ने अपनी किताब, फ्रेंच राइटर हैं, अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में बड़े तार्किक और संवेदनशील ढंग से दर्शाया है। भारत की आजादी के बाद एक बहुत बड़ा मसला था, विदित हो कि वह विभाजन दुनिया का सबसे बड़ा विभाजन था, और उतना बड़ा उससे पहले और ना ही उसके बाद समकालिक युग में पलायन एक देश का दूसरे देश में हुआ। वह पलायन दुनिया का सबसे बड़ा पलायन में से एक था। पलायन के साथ साथ विभाजन के समय संपत्ति, संपदा और धन का बंटवारा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ऐसे में भारत और पाकिस्तान नामक दो देश की जो बुनियाद थी, वही कहीं ना कहीं गफलत, अविश्वास, हिंसा के आधार पर टिकी हुई थी। तो जिस संबंध के शुरुआत में ही पूर्वाग्रह होगा, उस संबंध में बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता की कामना करना भी बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है। बहरहाल, आज़ादी के समय जिन प्रमुख सरोकारों से दोनों देशों को जूझना पड़ा, वो समस्या थी शरणार्थी की समस्या। शरणार्थी मतलब
यह तो घोषित रूप से सत्य है कि आज़ादी के समय, विभाजन के समय भारत में रहने वाले मुसलमान लोग काफ़ी संख्या में पाकिस्तान पलायन किए, जबकि यही स्थिति उल्टा हुई जब पाकिस्तान के विभिन्न शहरों, विभिन्न गांवों से लोग भारत आते गए, और उस दौरान कितनी पीड़ा हुई, कितने कष्ट हुए, कितनी हिंसा हुई, कितनी शहादत हुई, इसका जिक्र प्रख्यात लेखक खुशवंत सिंह द्वारा उनकी किताब अ ट्रेन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान मेल में की गई है। शरणार्थी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी। शरणार्थियों की समस्या के मद्देनज़र 8 अप्रैल 1950 को भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चौधरी लियाकत अली के बीच समझौता हुआ, जो कि 52, 54 और 55 में भी उसे रिप्रोमुलगेट किया गया, फिर से उसकी अवधि बढ़ाई गई। उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या थी, वह समस्या थी ऋण अदायगी की समस्या। बंटवारे, संपदा को बंटवारे के समय हम महसूस किया गया कि भारत को पाकिस्तान द्वारा 300 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, जबकि भारत द्वारा 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान द्वारा वह पैसा भारत को कभी नहीं चुकाया गया, जबकि गांधी जी के प्रयासों से, गांधी जी के नैतिक पक्ष को साकार करने के लिए भारत सरकार ने 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया। इसके पीछे दर्शन यह था कि पाकिस्तान हमसे कम आबादी का देश है, और यह तथ्य है कि आज़ादी के समय हमारी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी, जबकि पाकिस्तान की जनसंख्या 6-7 करोड़ के आसपास थी। तो शरणार्थी की समस्या और ऋण अदायगी का प्रश्न एक तात्कालिक महत्व का प्रश्न था, और उसके बाद जिस समस्या ने सर्वाधिक परेशान किया, पाकिस्तान को तो नहीं कहा जा सकता है, जिसने भारत के निर्माण में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल, अवरोधक का काम किया, वे समस्याएं थी रियासत का विवाद। विदित हो कि भारत वर्ष 1947 में 15 अगस्त 1947 को देश के लगभग 562 रियासत, 562 रियासत तो द्वारा किए गए समझौते के उपरांत भारत का निर्माण हुआ, और कहते हैं कि इस समझौता, इन देशों को, इन रियासतों को एक मंच पर लाने का काम भारत के लौह पुरुष, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से संभव हो सका था। जबकि तीन ऐसी रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, वे तीनों ने, उन तीनों ने विभिन्न राजनीतिक या सामरिक कारणों से यह सुनिश्चित किया कि वे भारत का हिस्सा तत्काल प्रभाव से नहीं बनेंगे। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं जूनागढ़ का। जूनागढ़ वर्तमान में गुजरात के सौराष्ट्र इलाके का एक क्षेत्र है। आज़ादी के समय जूनागढ़ ने तय किया कि वह भारत का हिस्सा नहीं बनेगा, वह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। जूनागढ़ के तत्कालीन मुस्लिम राजा महाबत खां, रसूल खां हुआ करते थे। वहाँ की 81% आबादी हिंदू आबादी थी, जबकि सुल्तान राजा मुसलमान था। जूनागढ़ के द्वारा यह कहा जाना कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, वह कहीं ना कहीं विरोधाभासी था, क्योंकि भारत के मुख्य भूमि से लगभग 300, पाकिस्तान के तीन मुख्य भूमि से 300 मील की दूरी पे गुजरात का वर्तमान गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में आने वाला जूनागढ़ स्थित था। इस निर्णय को अव्यवहारिक माना गया। जूनागढ़ के राजा ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को प्रस्ताव दिया कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, जिससे 16 सितंबर 1947 को लगभग एक महीना के बाद पाकिस्तान द्वारा इस मांग की स्वीकृति कर दी गई। विदित हो कि राजा मेहताब खां, रसूल खां का मंत्री दीवान हुआ करते थे शाहनवाज भुट्टो। जी हाँ, वही भुट्टो
जिनके पुत्र जुल्फिकार अली भुट्टो कालांतर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। उनकी पुत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनी, जबकि उनके पति आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। वर्तमान में पीपीपी पाकिस्तान पीपुल पार्टी के अध्यक्ष चौधरी बिलावल भुट्टे बेनजीर और आसिफ अली जरदारी के पुत्र हैं। ऐसे में 16 दिसंबर को जब पाकिस्तान की स्वीकृति मिली कि आप मेरे हिस्सा बन सकते हैं, उस समय जूनागढ़ की हिंदू बहुल आबादी ने शासन का विरोध कर दिया। राजा को जूनागढ़ छोड़कर भागना पड़ा, उसे पाकिस्तान बनना पड़ा। उसके बाद अंतिम रूप से 10 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को भारत के सौराष्ट्र का हिस्सा, तत्कालीन सौराष्ट्र का हिस्सा बना दिया गया। वर्तमान में वह गुजरात प्रदेश के अंतर्गत आता है। जूनागढ़ की समस्या के बाद सबसे बड़ी समस्या थी, वह थी हैदराबाद की। वर्तमान हैदराबाद तो एक शहर है जो कि आंध्रा और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है, जबकि तत्कालीन हैदराबाद एक प्रदेश हुआ करता था। कालांतर में इतिहास है कि पुनर्गठन हुआ, आंध्रा बना, आंध्र प्रदेश बना, बाद में तेलंगाना बना। बहरहाल हैदराबाद का शासक निजाम उस्मान अली खान ने तय किया कि वे भारत का हिस्सा न बनेंगे, ना ही पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। इस आलोक में 29 नवंबर 1947 को भारत के साथ हैदराबाद का एक समझौता पत्र हुआ हुआ समझौता पत्र गठित किया गया, संधि हुआ, जिससे एक वर्ष तक लागू होना था। कायदे से इसे 29 नवंबर 1948 तक लागू होना था, लेकिन इसी बीच देखा गया कि निजाम शासन द्वारा हैदराबाद के लोगों को का काफ़ी उत्पीड़न किया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के पिता कहे जाने वाले पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी जीवनी द इंसाइडर में लिखा है कि कैसे, कितने बर्बर तरीके से हैदराबाद के निजाम द्वारा वहाँ के लोगों का, मुल्कियों का शोषण दोहन किया जाता था, उन्हें बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने से वंचित किया जाता था। ऐसे में जब निजाम के द्वारा हिंसक घटनाएं काफ़ी बढ़ा दी गई, काफ़ी बढ़ गई, ऐसे में भारत सरकार द्वारा 13 दिसंबर 1948 को एक सैनिक कार्रवाई करके अंतिम रूप से हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया। इस प्रकार हैदराबाद भी भारत का हिस्सा बन गया। ठीक उसी समय जब जूनागढ़ और हैदराबाद का विवाद चल रहा था, उसी समय देश में सबसे बड़ा विवाद जो आज तक आज़ादी के लगभग 72 वर्षों के उपरांत भी कायम है, वह विवाद था कश्मीर का विवाद। प्रकृति का स्वर्ग कहे जाने वाला, एशिया का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाला कश्मीर रियासत ने तय किया था कि वह दोनों देशों से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखेगा। लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा दिनों तक हो नहीं सका। आजादी के कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान की सेना ने कबायली का वेश धारण करके जम्मू कश्मीर पे घुसपैठ शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर पे को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। ऐसे में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन डोगरा वंश के राजा महाराजा हरि सिंह ने तय किया कि वे अपनी सुरक्षा के खातिर भारत में मिलना चाहेंगे, और इस आलोक में उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखा। पत्र के जवाब में वी के कृष्ण मेनन ने कहा कि हम आपकी मदद तब तक नहीं कर सकते हैं, हम आपके आंतरिक मसलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप हमारे साथ विलयन पत्र पे, संधि पत्र पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं। और इस आलोक में 26 अक्टूबर 1947 के ऐतिहासिक तिथि को, तिथि काफी महत्वपूर्ण है, 26 अक्टूबर 1947 को भारत एवं जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन
एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर होता है और उसके बाद भारत की सेना जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, तब तक लगभग 32,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे पाकिस्तान के कबीलाई अपना नियंत्रण स्थापित कर चुके होते हैं। इस प्रकार 32,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया और यह क्षेत्र वर्तमान में पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत द्वारा इसे गुलाम कश्मीर कहा जाता है। भारत का मानना है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, लेकिन वह किसी कारण से अभी हमारे नियंत्रण से बाहर है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें आज भी आरक्षित रखी गई है, जो पीओके क्षेत्र से आने वाले हैं। एक मसौदा के तहत भारत सरकार का यह प्रस्ताव है कि आगामी समय में लोकसभा की 6 सीटों भी पीओके क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए रिजर्व रखा जाए। उन्नीस का युद्ध के बाद पंडित नेहरू ने तय किया कि वे जम्मू कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में उठाएंगे। इसके बाद जो हुआ, उसने भारत के दावे को जम्मू कश्मीर पे मजबूती प्रदान करने का काम किया। का अभिप्राय यह था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध में कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय तत्व का समावेशन हो चुका था और यह एक बुनियाद थी जब भारत पाकिस्तान के संबंधों की बेहतरी के लिए किसी तीसरे पक्ष के पास जाया गया, तीसरे पक्ष का आमंत्रण स्वीकार किया गया। और इसके ठीक बाद, इन घटनाओं के ठीक बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल विवाद उभर कर सामने आया। ज्ञात हो कि सिंधु, झेलम और चिनाब तीन ऐसी नदियां थी जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी थी, उसे पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदी का दर्जा दिया गया, जबकि सतलज, रावी और ब्यास जो भारत मुखी नदी थी, भारत की तरफ से जाने वाली नदी थी, उन्हें भारत मुखी नदी का दर्जा दिया गया। इन 6 नदियों के अमलगेशन को के मिलने जुलने की प्रक्रिया को नाम दिया गया सिंधु सिस्टम ऑफ रिवर्स, सिंधु नदी परियोजना। और पहली बार वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के समाधान के लिए सिंधु जल समझौता संपन्न हुआ। और एक चीज ध्यान देने की योग्य है कि यह समझौता विश्व बैंक के मार्गदर्शन में, विश्व बैंक के निर्देशन में संपन्न हुआ था। और जब हम विश्व बैंक की बात करते हैं तो विश्व बैंक ग्रुप है, 5 संस्थाओं का एक ग्रुप है, उसे विश्व बैंक ग्रुप कहते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसके अंतर्गत 5 चीजें आती है, 5 संस्थाएं आती है। पहला वर्ल्ड बैंक, दूसरा आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंकिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तीसरी संस्था है मीगा, MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। चौथी संस्था है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जो कि पांचवी संस्था है IFC, इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम। ये पांचों मिला के विश्व बैंक ग्रुप का निर्माण करते हैं। और हम सबको पता है कि विश्व बैंक का गठन ब्रेटन वुड्स समिट के बाद
ब्रिटेन वुड्स अमेरिका के की राजधानी वाशिंगटन सिटी, वाशिंगटन डीसी का एक स्थान है। वहाँ पे संपन्न समझौते के उपरांत दुनिया के अर्थव्यवस्था को निगरानी के लिए तीन संस्थाओं का गठन हुआ, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और WTO। उस समय गैट था उसका नाम, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड। दरअसल इसका नाम ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रखा जाना प्रस्तावित था, जो कि हो नहीं सका और गैट का गठन हुआ कालांतर में 1 जनवरी 1995 से। इसके स्थान पे WTO, विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया, क्योंकि समय देश काल के साथ दुनिया के देशों के व्यापार का चरित्र बदलता रहता है। गैट, IMF, वर्ल्ड बैंक, देखा गया है कि वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष स्थापना काल से लेकर आज तक अमेरिकी सिटीजन होता है, जबकि IMF का डीजी, डायरेक्टर जनरल यूरोपियन व्यक्ति होता है। वर्तमान में फ्रांस की क्रिस्टिना लेगार्डे IMF की डायरेक्टर जनरल है। वर्ल्ड बैंक द्वारा सिंधु नदी जल समझौता होने के बाद, और ज्ञात हो कि जब प्रदेश के अंदर भारत के राज्यों के बीच जब नदी जल के संबंध में विवाद उभरता है, तो उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 262, केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत आर्टिकल 262 में नदी जल के विवाद के लिए ट्रिब्यूनल बनाने का प्रावधान किया गया है, अधिकरण बनाने का प्रावधान किया गया है। नदी जल विवाद कभी भी कोर्ट में नहीं जाता है, एक्सेप्ट कोर्ट के द्वारा ही एक को विश्वास में लेकर सरकार द्वारा एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। जैसे कि नर्मदा नदी के विवाद के संबंध में ट्रिब्यूनल गठन हुआ, जिस प्रकार कोर्ट के फैसला को डिक्री कहा जाता है, उसी प्रकार नदी जल विवाद पर ट्रिब्यूनल के फैसला को अवार्ड कहा जाता है। आज़ादी के बाद, विभाजन के बाद, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ की समस्या से निपटने के बाद देश में नए नए प्रकार के, दोनों देशों के बीच नए नए प्रकार के विवाद उभरने शुरू हो गए। उनमें से सिंधु नदी जल समझौता हुआ, जो कि विदित हो कि 1965 1971 के भारत और पाकिस्तान के बीच हुए दो बड़े युद्ध, कारगिल को अगर पीछे छोड़ दिया जाए, अलग कर दिया जाए, फिर भी 65 और 71 के युद्ध के बाद भी दोनों देशों के बीच, तमाम विवाद प्रतिवाद के बीच, सिंधु जल समझौते को किसी प्रकार की क्षति, किसी प्रकार का हस्तक्षेप उसमें नहीं किया गया। एक दूसरा विवाद जो शुरू हुआ वह विवाद था कच्छ का रण, रण ऑफ कच्छ। कच्छ का रण विवाद, जिसे हम सर क्रिक के नाम से, सर क्रिक के नाम से जानते हैं। ज्ञात हो कि भारत के गुजरात प्रांत और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच का एक क्षेत्र विवाद का क्षेत्र रहा है। पाकिस्तान कहता है कि सर क्रिक का जो बंटवारा हो वह वर्ष 1914 में तत्कालीन बॉम्बे प्रांत द्वारा तैयार किए गए मानचित्र के स्टैंडर्ड B44 के तहत किया जाए, क्योंकि वह एक दलदली क्षेत्र है। पाकिस्तान का कहना है कि यह एक दलदली क्षेत्र है, यहाँ पे सिर्फ कीचड़ होता है, पानी नहीं होता है। क्योंकि भारत का कहना है कि सर क्रिक का बंटवारा बीचों बीच किया जाए, अर्थात आधा हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाए, आधा भारत के पास रहे। और भारत का ऐसा मानना है कि 1925 का जो मानचित्र है उसके आलोक में यह फैसला किया जाए। और भारत कहता है कि यह इलाका कीचड़ का या दलदल नहीं है, भारत का कहना है कि यह समुद्री इलाका माना जाए इसे, क्योंकि बरसात के दिनों में ज्वार भाटा के प्रगति करने पर इन इलाकों में भी
नौवहन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। उतना पानी इन क्षेत्रों में आ चुका है कि नौवहन जहाज रानी को चलाया जा सकता है। इस आलोक में दोनों देशों के मध्य एक समझौता संपन्न होता है 60 के दशक में, लेकिन पाकिस्तान द्वारा संतुष्ट न होने पे कच्छ के रण का विवाद आज भी निरंतर जारी है। भारत का कहना है कि यह जो समझौता है, इसका जो बंटवारा होना चाहिए वह थेलवाग नियम के तहत होना चाहिए। ज्योग्राफी के छात्र छात्राएं विद्यार्थी अध्येता जानते होंगे, थेलवाग का नियम वह होता है जिसके तहत पानी का बंटवारा के समय आधा हिस्सेदारी दोनों देशों का होता है। यहाँ मैं एक चीज़ों का जिक्र और कर देना चाहूँगा जो कि समुद्री पानी के बंटवारे के समय काम आता है, वह होता है नॉटिकल माइल। ज्ञात हो कि पानी के अंदर पानियों का और वायु खुले आसमान में जो दूरी का मापक होता है वह होता है नॉटिकल मील। जिस प्रकार जमीन का मापक मीटर वर्ग मीटर किलोमीटर में होता है, उसी प्रकार जल और वायु के मापक के रूप में नॉटिकल माइल का इस्तेमाल किया जाता है। एक नॉटिकल माइल 1800 मीटर के आसपास, अर्थात 1.8 किलोमीटर की दूरी को नॉटिकल माइल कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत, UNO के द्वारा किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत, एक देश की सीमा, भौगोलिक सीमा समाप्त होने के उपरांत 12 नॉटिकल माइल क्षेत्र को उस संबंधित देश का संप्रभु क्षेत्र माना जाता है, जबकि 200 नॉटिकल माइल का क्षेत्र जो होता है लगभग 360 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वह संबंधित देश का EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है जिसपे दोनों देश संबंधित देश अपना व्यापार कर सकता है, जैसे कि मत्स्य पालन, फिशरी इत्यादि से जुड़ा हुआ व्यावसायिक हितों का कार्य कर सकता है। अब आते हैं कि आजादी के उपरांत दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर कई युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध का तो हमने अघोषित युद्ध या फिर आंशिक युद्ध का जिक्र किया, जो कि 48 में लड़ा गया कश्मीर को लेकर। इसके बाद सबसे बड़ा युद्ध पाकिस्तान द्वारा भारत पर वर्ष 1965 में थोपा गया, और उस समय भारत में शांति के पुजारी गांधीवादी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने घोषणा किया था कि हथियारों का जवाब हथियारों से देंगे, यद्यपि हम शांति के पुजारी हैं। और इस आलोक में पाकिस्तान को मुख की खानी पड़ी। भारत की सेना पाकिस्तान के लाहौर चौकी तक पहुंच गई। पाकिस्तान को विश्व के सामने शर्मनाक होना पड़ा। और जैसा कि युद्धों का इतिहास रहा है, युद्ध क्षेत्र में जीते जाते हैं लेकिन कागज पे समझौता करना पड़ता है। उसी युद्ध के उपरांत तत्कालीन सोवियत गणराज्य का राष्ट्रपति खुरुश्चेव द्वारा भारत और पाकिस्तान को आमंत्रित किया जाता है ताशकंद समझौता के लिए। ज्ञात हो कि वर्तमान में ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। 25 सितंबर 1990 को जब रूस USSR के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचोव द्वारा पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त नीति की शुरुआत की गई, उसके बाद 13 देशों ने, सोवियत गणराज्य के अंतर्गत आने वाले 13 अलग अलग देशों ने यह तय किया कि अब वे अलग देश बनाना चाहेंगे। उसी श्रृंखला में उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन जैसे देशों का निर्माण हुआ। कक्षा के प्रारंभ में हमने कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ जनरल मीटिंग की बात की थी, राष्ट्रमंडल के देशों की बात की थी जिसमें 54 देश है, जबकि ये 13 देश जो सोवियत गणराज्य के पतन के बाद बने, इन 13 देशों ने अपने लिए एक नया कॉन्फेडरेशन बनाया, एक नया परिसंघ बनाया, और इसका नाम है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, राष्ट्रकुल के देश।
वे राष्ट्रमंडल थे, ये राष्ट्रकुल है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री यूएसएसआर का तत्कालीन राष्ट्रपति ख्रुश्चेव आमंत्रित करते हैं भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री और पाकिस्तान के सैन्य शासक जनरल अयूब खां का। यह हम सबको पता है कि पाकिस्तान के आज़ादी के बाद अभी तक चार सैन्य शासकों ने उसे अपने अनुसार चलाया है। पहला अयूब खां, यहया खां, जियाउल हक और उसके बाद लेटेस्ट जनरल परवेज मुशर्रफ। ऐसे भी कहते हैं कि पाकिस्तान द्वारा जानबूझकर भारत विरोध के नाम पे तरह तरह के मामले पैदा किए जाते हैं, इश्यूज पैदा किए जाते हैं, ताकि दोनों देशों के बीच विवाद के नाम पे पाकिस्तान की आर्थिकी, पाकिस्तान की गरीबी को, पाकिस्तान की राजनीति से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। कहते तो यह है कि पाकिस्तान की विदेश नीति का आधार ही है 3A, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सैनिक शासक अयूब खां के बीच ताशकंद में समझौता होता है 10 जनवरी 1966 को। लेकिन ऐसा किंवदंती है, कहा जाता है कि शास्त्री जी उस समझौते से संतुष्ट नहीं थे और परिणति यह हुई कि 11 जनवरी 1966 को, मतलब समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के अगले दिन, ताशकंद में ही सोए हुए अवस्था में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का देहावसान हो जाता है। उनके अवसान के बाद सोवियत संयुक्त राज्य अमेरिका का तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बेसन जॉनसन का कहना था कि शास्त्री जी के जाने के बाद दुनिया नाटी हो गई है। यही नहीं, शास्त्री जी के शव को कंधा देने वालों में से एक प्रमुख नाम थे जनरल अयूब खान। बहरहाल 1965 की जीत ने भारत के प्रभाव को विश्व पटल पे एक मजबूत आधार देने का काम किया। 1962 में चाइना द्वारा हार का बदला हमने पाकिस्तान के ऊपर निर्णायक जीत करके हासिल की। समय देश काल के साथ वर्ष 1971 में पाकिस्तान, जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान का गठन भारत के दो हिस्सों, भारत के दो अलग अलग छोरों को मिलाकर किया गया था, पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा। एक हिस्सा पूर्वी हिस्सा जो बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल हुआ करता था, उससे काटकर बनाया गया था। दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र नए राष्ट्र का सृजन था। जब एक तरफ एक क्षेत्र में उर्दू भाषा बोली जाती थी पाकिस्तान के मुख्य भूमि पे, जबकि दूसरी भूमि पे बंगला बोली जाती थी, ऐसे में यहाँ के लोगों में काफ़ी असंतुष्ट था। वर्ष 1970 के दशक के प्रारंभिक दिनों में बांग्लादेश के लोगों, जो बंगला बोलते थे, उनमें अपने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, भाषा के प्रति, भाषा को लेकर एक आक्रामक अंदाज से उन्होंने अपनी बात रखना शुरू किया। परिणाम स्वरूप 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश ने अपने मुक्ति की घोषणा की, और मुक्ति की घोषणा के उपरांत प्रतिदिन हजारों शरणार्थी भारत आने लगे। ऐसे में भारत के लिए एक बहुत बड़ा यक्ष सामने, प्रश्न सामने खड़ा हो गया। अब प्रतिदिन हजारों लोग जब भारत आने लगे, तो भारत के लिए एक राजनीतिक, राजनयिक के साथ साथ एक अर्थव्यवस्था का संकट भी खड़ा हो गया कि प्रतिदिन उतने लोगों का भोजन कैसे कराया जाए। दूसरी तरफ बंगाल में पाकिस्तान सेना द्वारा हिंसक कार्रवाई, दमनकारी नीतियों को अंजाम दिया जा रहा था। ऐसे में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सेना अध्यक्ष सैम मोनेकशॉ के साथ चर्चा किया। युद्ध के परिप्रेक्ष्य पे अगर पाकिस्तान के साथ अगर कुछ हो जाता है तो हम कितने तैयार हैं। ज्ञात हो कि भारत के थल सेना के इतिहास में
सैम मॉनिगसॉ एकमात्र ऐसे सेनाध्यक्ष हैं जिन्हें इस देश ने 1971 में उनके अवदान को देखते हुए फील्ड मार्शल का दर्जा दिया था। और कहा तो यह जाता है कि अगर कोई कहता है कि वह मौत से नहीं डरता है तो वह निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है, या फिर उसका नाम जनरल सैम मॉनिगसॉ है। बहरहाल, इन परिस्थितियों में तत्कालीन पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान और भारत के बीच एक तरीके का अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण का जगह बन चुका था दुनिया के देशों के लिए। और ऐसे में कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को हमला कर दिया। भारत ने हस्तक्षेप करते हुए युद्ध में पूरी शिद्दत के साथ भागीदारी की। 13 दिन के संघर्ष के बाद 16 दिसंबर 1971 के ऐतिहासिक दिन को पाकिस्तान की सैनिक ताकत ने अपने 93,000 सेना के साथ जनरल अमीर अहमद नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष ढक्का के नाम से जाना जाता था, ढक्का में आत्मसमर्पण किया। और परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के रूप में 16 दिसंबर 1971 को एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो पाकिस्तान के जेल में बंद थे, जेल से रिहा होने के बाद पहले भारत की राजधानी दिल्ली आते हैं और उसके बाद ढाका जाते हैं। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में अंगीकृत किया, मान्यता प्रदान किया। दक्षिण एशिया में भारत सहित पाकिस्तान और बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र का निर्माण हो चुका था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की शहादत की हत्या उन्हीं के सेना जनरल जनरल जियाउर रहमान द्वारा 15 अगस्त 1975 को कर दी जाती है। इसके बाद जनरल जियाउर रहमान वहां के राष्ट्रपति बनते हैं और उनकी सलाह पे साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क का गठन होता है। 7-8 दिसंबर 1985 को सार्क का गठन होता है जिसमें दक्षिण एशिया महादेश के 7 कंट्री, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव शामिल होते हैं। जबकि वर्ष 2007 में एक नए सदस्य के रूप में अफगानिस्तान का आगमन होता है। इस प्रकार वर्तमान में सार्क में कुल 8 सदस्य राष्ट्र हैं। इससे पहले वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की विजय होने के बाद भारत के शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक शिमला समझौता होता है। यह समझौता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच संपन्न होता है। इस समझौते के तहत यह कहा जाता है कि आने वाले समय में दोनों देश किसी के मामले में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों देश सहिष्णुता की भावना को अंगीकार करेंगे, सकारात्मक सहयोग पे काम करेंगे। अर्थात बाई एंड लार्ज, मोटे तौर पे समझा जाए तो जो समझौता 28 अप्रैल 1954 को
भारत और चीन के बीच पंचशील को लेकर हुआ था, पंचशील नाम से हुआ था, उसी का एक दूसरा फॉर्म शिमला समझौता में देखने को मिलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक नया क्षेत्र उभर कर तब तक सामने आ चुका होता है, सियाचिन का क्षेत्र। यद्यपि सियाचिन कोई नया क्षेत्र विवाद नहीं था, यह विवाद 1960 के दशक से ही चला आ रहा था, लेकिन 1984 में पाकिस्तान सेना द्वारा बर्फबारी के दिनों में सियाचिन ग्लेशियर पे अपना दावा मजबूत करने के उद्देश्य से, नियंत्रण स्थापन के उद्देश्य से सेना की टुकड़ी का बहाली कर दी गई। प्रतिक्रिया स्वरूप भारत द्वारा वर्ष 1984 में पाकिस्तान में सॉरी भारत द्वारा वर्ष 1984 में सियाचिन के ऑक्यूपाई के लिए ऑपरेशन मेघदूत नामक अभियान चलाया गया। ज्ञात हो कि सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि है। आज भी भारत की सेना व्यापक खर्च पे प्रति क्षण सियाचिन ग्लेशियर की निगरानी के लिए मौजूद रहती है। वर्ष 1999 में पाकिस्तान गर्मी के दिनों में मई में पाकिस्तान की सेना ने भारत के कारगिल प्रदेश पे हमला किया अघोषित रूप से, ताकि जिस समय भारत की सेना पीछे हट गई थी ठंडा के दिनों में, अपना बैरक खाली कर दी थी, ऐसे में पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर को के कारगिल पर अपना दावा कर दिया, हमला कर दिया। भारत द्वारा प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी सेनाएं भेजी गई, युद्ध हुआ और 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान सेना पे फतह की, विजय प्राप्त की। ऑपरेशन विजय के तहत विजय दिवस मनाया जाता है। ऐसे में विजय दिवस मनाया जाता है, इस बात का संकेत है कि भारत ने चार घोषित, अघोषित, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परोक्ष युद्ध में पाकिस्तान को मात देने का काम किया है। लेकिन भारत की यह मंशा कभी नहीं रही है कि युद्ध में मात देकर अपने पड़ोसी का संबंध खराब किया जाए। इन्हीं घटनाओं के बीच वर्ष 1998 में दोनों देशों के बीच परमाणविक परीक्षण भी किया गया, दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण भी किया गया। भारत द्वारा 11-13 मई 1998 को 5 परमाणु परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर जिला के पोखरण में किया गया, जबकि पाकिस्तान द्वारा भी उसके एवज में, उसके बदले में 6 परीक्षण किया गया। मतलब यह स्थिति कहीं ना कहीं दोनों देशों को के बीच, दोनों देशों को लड़ाई की ओर प्रवर करने के लिए तरह तरह का प्रलोभन था, विश्व की शक्तियों का कहिए या फिर विश्व के अन्य अन्य सोशल एलिमेंट्स, नॉन स्टेट एक्टर्स का यह प्रयास था कि दोनों देश कहीं ना कहीं युद्ध में अपने आप को इंडल्ग रखें। इन्हीं बीच वर्ष 2001 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के सैनिक शासक जो अब राष्ट्रपति हो चुके होते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच भारत के आगरा शहर ताज नगरी में एक समझौता होता है, जिसका नाम दिया जाता है आगरा शिखर सम्मेलन। यह आगरा शिखर सम्मेलन सफल नहीं हो पाता है, और सफल नहीं होना होना तो समझौते की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। लेकिन पाकिस्तान द्वारा वर्ष 2001 में ही 13 दिसंबर को जो कृत्य किया गया, वह दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा कायराना माना जाता है। जब उसने भारत की, दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े स्थली भारत की संसद पे हमला करने का प्रयास किया, संसद पे अघोषित हमला किया गया, और उसके बाद 26 नवंबर 2008 को भारत के मुंबई शहर में हमला किया गया, विध्वंसक फैलाने का उद्देश्य से कसाब नामक आतंकी को, जबकि अफजल कुरू नामक आतंकी को लाल किले केस में, संसद हमले केस में फांसी की सजा भी दी गई। लेकिन प्रश्न है कि हथियार
का जवाब हथियार से देने से एक समय ऐसा आएगा, जैसा कि गांधी कहते थे कि एक दिन हम सब अंधे हो जाएंगे। आंख के बदले आंख लेने से मानवता का कल्याण कतई संभव नहीं होता है। इसी आलोक में भारत द्वारा दोनों देशों के बीच बेहतरी संबंध स्थापित करने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स CBM Track 2 Track 3 डिप्लोमेसी राजनय का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों के बीच, खिलाड़ियों के बीच, संस्कृति की आदान प्रदान को लेकर, साहित्यकार कलाकार को लेकर एक बेहतर वातावरण बनाने का काम किया जाता है, ताकि जिस देश के पिछले 5,000 वर्षों का एक इतिहास रहा हो, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कौन भूल सकता है, जिन्होंने कहा था कि हम इतिहास बदल सकते हैं, भूगोल नहीं बदल सकते हैं, हम पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बहाली के दिशा में प्रयास करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान जाते हैं, लेकिन उसे भी पाकिस्तान द्वारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से लिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बेहतरी आशा, महत्वाकांक्षा की गुंजाइश हमेशा रहती है। उसी चरण में, उसी प्रयास के तहत पाकिस्तान द्वारा करतारपुर कॉरिडोर को खोले जाने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम माना जा सकता है। ज्ञात हो कि भारत के गुरदासपुर जिला से सटे हुए पाकिस्तान के हिस्से में 1.5 किलोमीटर की दूरी पे करतारपुर में सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक साहब, गुरु नानक देव ने अंतिम दिनों, अपने अंतिम दिन बिताए थे। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा यह प्रावधान किया गया है, निगोशिएशंस के बाद एक प्रावधान किया गया है कि पाकिस्तान एक दिन के लिए बिना वीजा के एक टूरिस्ट परमिट जारी करेगा। उस टूरिस्ट परमिट के तहत दिन के 10 बजे से 4 बजे के बीच भारत की तरफ से कोई भी श्रद्धालु करतारपुर जाकर वापस आ सकता है। इसके पीछे, इस अवसर पे बोलते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बयान बड़ा ध्यातव्य है। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि चूंकि हम दोनों परमाणु संपन्न देश है, युद्ध नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। और भारत सरकार ने भी एक गुडविल गेस्चर के तहत इस अवसर पे अपने शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हुआ करते थे, एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल को करतारपुर भेजा। पाकिस्तान की तरफ से सॉरी पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के प्रधानमंत्री उपस्थित थे, जबकि पंजाब के नगर विकास मंत्री, पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी उस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान एक सिक्के के दो पहलू के रूप में उभर कर सामने आए थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि दिन प्रतिदिन दोनों देशों के बीच सहिष्णुता घटती जा रही है। दोनों देश कहीं ना कहीं एक दूसरे से पीड़ित है। इस दिशा में तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल, जो कि कालांतर में प्रधानमंत्री बने, इंद्र कुमार द्वारा, गुजराल द्वारा दिया गया गुजराल डॉक्ट्रीन, गुजराल सिद्धांत काफी प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को एक बड़े राष्ट्र की भूमिका को जिम्मेदारी से निभाते हुए अपने से छोटे कम आबादी वाले पड़ोसी राज्यों के साथ मोर एंड मोर गिविंग, उन्हें अधिक छूट देने का काम किया जाएगा, ताकि हम दक्षिण एशिया के लिए एक नए विश्वस्त, भरोसेमंद, एक नई आर्थिकी साफ्टा की अवधारणा को, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में आगे बढ़ सके। ऐसे में एक अंतिम बात के साथ मैं अपनी आज की बात खत्म करना चाहूंगा। कुलदीप नायर, प्रख्यात पत्रकार, जो भारत और पाकिस्तान के अभ्युदय को साथ साथ जिन्होंने देखा था, उनका कहना है कि उन्होंने अपनी किताब बिटवीन द लाइंस में पंक्तियों के बीच में लिखा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों दूर के पड़ोसी हैं। मतलब भौगोलिक रूप से तो समीप हैं, लेकिन मानसिक और
राजनीतिक रूप से एक दूसरे से अलग है। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, कभी कभी पूछा जाता है कि संबंध और राजनीति में क्या अंतर है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या दोनों एक ही चीज है? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अर्थ होते हैं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक तमाम पहलुओं को एक साथ अंगीकार करना, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक अंग है जिसके तहत सिर्फ राजनीतिक पहलुओं पे चर्चा होती है। इस प्रकार हमने आज के क्लास के माध्यम से, आज के लेसन के माध्यम से यह तय किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को आप लोगों के बीच रखा जाए। अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक पे हम लोग शीघ्र ही आप लोगों के बीच पुनर्हाजिर हो, और हमारा यह प्रयास रहता है कि हमारे प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक शीर्षक, प्रत्येक चर्चा के बाद आपका सुझाव हमारे पास पहुँचे। हम आपके द्वारा दिए गए प्रत्येक सुझाव को आमंत्रित करते हैं, स्वीकार करते हैं, और उस हिसाब से अपने प्रयासों में अपनी क्षमता, अपनी इच्छा शक्ति की हद तक आप लोगों के लिए अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। अगले टॉपिक के साथ अगले दिन मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।